ही में AWS ने एक नई नई नया फीचर्स लॉन्च किया है, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, जो ऑलरेडी AWS ने लॉन्च कर रखी है बहुत सारे एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल एंड लार्ज के लिए प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। अभी उन्होंने नया नया लॉन्च किया है एज अ सर्वरलेस। ओके, पहले पहले क्या होता था ना, डेटाबेस सर्विस में, जो इन शॉर्ट DMS सर्विस होता है, जिससे आप कोई भी ऑन प्रेमाइसेस डेटा या फिर AWS के अंदर का डेटा दूसरे अकाउंट में या ऑन प्रेमाइसेस टू AWS के अंदर आप माइग्रेट कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग दिस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। बट अभी जो फीचर उन्होंने लॉन्च किया है सर्वरलेस आर्किटेक्चर मॉडल का, उसमें ना आपको पहले क्या होता था, सारा चीज़ आपको मैनुअल देना पड़ता था, मतलब CPU कितना लगेगा, मेमोरी एंड दी ये हार्ड डिस्क। तो उसमें होता था क्या ना, प्रॉब्लम क्या आती थी कि सपोज़ आपने आपका डेटाबेस माइग्रेशन चल रहा है ऑनगोइंग, एंड सोर्स पे कुछ ज़्यादा डेटा आ जाता है, और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द DMS सर्विस, क्योंकि DMS पे ना एक मीडिएटर इंस्टेंस बनाना पड़ता था, उसमें क्या होता था, सपोज़ हमने 10 GB का इंस्टेंस बना लिया DMS पे, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस पे, या 20 GB का बना लिया, तो कभी कभी क्या होता था ना, वो फुल हो जाता था डिस्क स्पेस। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो आपका जो ऑपरेशन चल रहा है माइग्रेशन का, वो इम्पैक्ट होता है या इंटरप्ट होता है बीच में, फिर से आपको फिर से रन करना पड़ता था। बट अभी सर्वरलेस में क्या हो गया ना, वो पूरा ऑटो स्केल हो गया है, आपको जस्ट मिनिमम CPU एंड मैक्सिमम CPU दे देना है, डिस्क स्पेस पर कोई झंझट नहीं है उसमें, क्योंकि सर्वरलेस का फीचर ही वही है, यू नो, आपको कोई फिक्स हार्ड डिस्क वहाँ पर आपको देना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन कर लेगा वहाँ पर।